नमस्कार रउआ लोग आज तक देख रहल बानी रुआ सभे के पसंदीदा भोजपुरी बुलेटिन एकदम चकाचक और तरोताजा अंदाज में हम लेके आयल बानी। राजनीति, क्रिकेट चाहे कौनो अपराध और फिल्मी दुनिया के खबर हो, एकदम बढ़िया बढ़िया खबर बिना कौने मिर्च मसाला लगाए ले हम रउआ खातिर लेकर आयल बानी। ई खबर रुआ खाती है तो इहे लगी खबर किसन लागल, ई सब बतावल जाए, तुरंत कमेंट करी। आज जे पांच खबर के बारे रउआ के जानकारी दिहल जाए उनुकरा में पहला खबर बा स्वाति मालीवाल के संगे मारपीट के लेके। आज प्रियंका गांधी भी ई पर बयान दिहले बाड़े और दोसर ओर दिल्ली के पुलिस भी आज स्वाति मालीवाल के घर पहुंच बाड़े। दूसर का खबर बा पवन सिंह के लेके। काराकट सीट से पवन सिंह और उनुकर माई के नामांकन स्वीकार कर ले गई बा। अब ई देखे के बा कि आखिर नामांकन के वापस लिहे पवन सिंह और उनुकर माई माए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे नामांकन दाखिल कैले। तीसर का खबर बा के पाठक के लेके जे एगो नया आदेश शिक्षकन खातिर जारी कर ले और एकरा के लेके अब हंगामा होता। चौथा खबर बा बिहार के छपरा में एक ब्लास्ट के लेके जेकरा में एगो मौत हो गई, अब एकरा लेके कई गो सवाल उठता। वहीं पांचवा खबर रही बिहार ते मौसम के लेके। यहाँ अभियो गर्मी बा और मौसम विभाग गर्मी से निजात मिले के तारीख बतवले बाड़े, ई पर बात हुई। चली ता एक एक करके खबर के शुरुआत कईल जाए। पहलू का खबर के बात कईल जाए, दिल्ली के राजनीति में स्वाति मालीवाल के मुद्दा गर्मा गईले बा। सीएम हाउस में आम आदमी पार्टी के महिला सांसद स्वाति मालीवाल के संगे मारपीट अवुरी दुर्व्यवहार के घटना भईल। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मीडिया में एकर पुष्टि करत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के बात कईले, अब भाजपा एकरा के मुद्दा बना देले बिया। एक ओर संजय सिंह सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई के बात करता रे, दूसर ओर भाजपा एक्शन में देरी पे सवाल उठावता, भाजपा के निशाना पे केजरीवाल बाड़े। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सीएम आवास के बाहरी प्रदर्शन करत कहले कि ई महिला सम्मान के बात बा, हालांकि अबले स्वाति मालीवाल खुदे सामने नहीं खे अवले बाड़े। 10 दिन के भीतर दिल्ली में लोकसभा चुनाव के वोटिंग होखे वाला बा। यही बीच स्वाति मालीवाल के मुद्दा के लेके भाजपा सड़क पे विरोध प्रदर्शन कर दिया, महिला सुरक्षा के नाम पर आम आदमी पार्टी के घेरता। भाजपा सीएम आवास पर आप राज्यसभा सांसद अवुरी दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रहल स्वाति मालीवाल के संगे ए दुर्व्यवहार के कड़ा विरोध कईले बिया। आप नेता स्वाति मालीवाल के संगे भईल मारपीट के मामला पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कहली कि एह में दुगो बात बा, पहला महिला के संगे कुछ गलत हो गईल ता हमनी के ओ लोग के संगे खड़ा हो जानी। प्रियंका कहले कि ऊ हमेशा महिला के संगे खड़ा बानी चाहे ऊ कवनो पार्टी के होके। दूसरा, आप आपस में चर्चा करी अपना बीच फैसला करी है, यही बीच दिल्ली पुलिस भी ये मामला में सक्रिय हो गई बया। दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल से संपर्क करे के कोशिश कईले बिया। अब बात दोसर का खबर के बारे में कईल जाए, सबके नजर बिहार के काराकट सीट पर बा। ई सीट खास हो गईल बा काहे कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह एहिजा से चुनाव लड़त बाड़न। पवन सिंह 9 मई के काराकट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आपन नामांकन पत्र दाखिल कईले रहले। ठीक छठवां दिन पवन सिंह के महतारी प्रतिमा देवी भी चुपके से आपन नामांकन दाखिल कईली, जहां पवन सिंह के नामांकन के दिन आयोजित जनसभा में प्रतिमा देवी खुद गोदी पसार के अपना बेटा खाती, जनता से आशीर्वाद मंगली। काराकट लोकसभा सीट पर वोट 1 जून के बा, मतदान 7वां आ आखिरी चरण में बा। 15 मई के नामांकन पत्र के जांच के बाद पवन सिंह अवुरी उनुकर महतारी प्रतिमा देवी के नामांकन पत्र सही पावल गईल। उम्मीदवारन के 17 मई ले आपन फार्म वापस करे के मौका दिहल गईल बा। अब देखे के बा कि पवन सिंह के महतारी आपन नामांकन वापस ली है कि ना। कुल 14 गो उम्मीदवारन के फार्म सही पावल गईल बा, जवना में पवन सिंह आ उनकर माई भी शामिल बाड़ी। बतावल जाता कि पवन सिंह के डर रहे कि कहीं उनकर नामांकन खारिज ना हो जाए, एह डर के चलते वो अपना महतारी के प्लान बी के तहत नामांकित कईले रहले। जब से पवन सिंह के भाजपा की ओर से बंगाल से चुनाव लड़े के टिकट दिहल गईल, जवना के वो वापस क दे ले, ऐसना में भाजपा की ओर से उनका आपन नामांकन वापस लेवे के दबाव बा। उनका डर रहे कि यदि उनकर नामांकन खारिज हो गईल तो उनका के खाली हाथ छोड़ दिहल जाए।
पवन सिंह भी सोशल मीडिया पे ईगो पोस्ट कैले बाड़े जवना में लिखले बाड़े कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से काराकट लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दाखिल दोनों नामांकन के जांच के बाद सफलतापूर्वक स्वीकार कैल गईल बा। हाल ही में कहल जात रहे कि अगर वो यहाँ से आपन नामांकन ना वापस ले हैं तब भाजपा उनका खिलाफ कड़ा कार्रवाई करी। उन्हें अब यह बात के पुष्टि हो गईल बा कि अभिनेता एहिजा से चुनाव लड़ी हैं। ऐसना में अब पवन दावा कैले बाड़े कि वो सिर्फ काराकट में रहे वाला बाड़े, मुंबई ना जाई हैं। एकरा संगे संगे भोजपुरिया स्टार यहाँ के लोग के आपन मोबाइल नंबर भी दे देले बाड़े। अब तीसर का खबर के बारे में बात कैल जाए। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के लेखे राजनीतिक हलकन में बवाल मचल बा। एक ओर के पाठक शिक्षा व्यवस्था के सुधारे खातिर तरह तरह के नियम लागू कर रहल बाड़े तो दूसरा ओर शिक्षक चिंतित बाड़े। अब बिहार कांग्रेस शिक्षक के समर्थन में निकलल ब्या। एक ओर सवाल उठल बा तो दूसरा ओर सीएम नीतीश कुमार के निशाना बनावल गईल बा। बिहार कांग्रेस सोशल मीडिया के माध्यम से आपन आवाज उठावत लिखली बिहार सरकार की ओर से शिक्षक के परेशानी निंदा करतारे। दूसरा ओर कांग्रेस के अलावे भाजपा के पाठक पर भी हमला कैले ब्या। भाजपा के MLC जीवन कुमार सवाल उठौले बाड़न कि अगर सवेरे 6 बजे महिला शिक्षकन के साथे कवनो घटना होके तो ओकरा खातिर केकरा जिम्मेदार होई। बता दी कि ग्रीष्मकालीन छुट्टी के बाद 16 मई से राज्य भर के सरकारी स्कूल खुल गईल बा। एकरा बाद समय के लेके हंगामा होता। दरअसल शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक 16 मई से अब छात्र के सवेरे 6 बजे स्कूल पहुँचे के कहल गईल बा। नया क्रम में इहो साफ साफ बतावल गईल बा कि स्कूल सवेरे 6 बजे से दोपहरिया 12 बजे ले चली। मिशन दक्ष के पढ़ाई दोपहरिया 12 बजे से दोपहरिया 1:30 बजे ले किल जाई। इतने ना शिक्षा विभाग अधिकारी लोग से कहले बा कि सवेरे 6 बजे से पहले स्कूल में जांच खाती पहुँचे के चाही। कहल गईल बा कि ई सुनिश्चित होवे के चाही कि स्कूल में लइकन के हाजिरी 90% होके। अगर हाजिरी कम बा तो अधिकारी के संगे संगे शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई हुई। एह नया फरमान का बाद तनाव बढ़ गईल बा। अब एह नया आदेश के बाद एक ओर शिक्षक लोग में नाराजगी बा, दूसरा ओर एकरा लेके राजनीति भी शुरू हो गईल बा। अवुरी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक बेर फेर निशाना पर बाड़े। बिहार के छपरा जिला में एगो मदरसा में धमाका होखला पर दहशत मच गई। बगल के लोग जब धमाका के आवाज सुन ले तो दौड़ के मौका पर पहुँच ले तो देख ले कि मौलवी अवुरी उनुकर एगो चेला घायल होके पड़ल बाड़े, जवना के बाद जल्दी जल्दी अस्पताल पहुँचावल गईल। घटना के सूचना पुलिस के देहल गईल। चुनाव के दौरान मदरसा में धमाका के खबर सुनला के बाद पुलिस भी तुरंत मौका पर पहुँच गईल। घायल नूर इस्लाम पुलिस के बतवले की उखिलौना समझ के ईगो वस्तु लेके आयल रहले, जवना में धमाका हो गईल। हालांकि पुलिस एक ओर से मामला के जांच करतिया कि मदरसा में बम बनावल जाता कि ना। पूरा मामला जिला के गरखा के मोतीराजपुर में स्थित मदरसा के बा घायल मस्जिद के मौलवी इमामुद्दीन के मौत हो गईल बा। आशंका बा कि ई विस्फोट बम बनावत घरी भइल, जवना में इमामुद्दीन आ उनुकर एगो विद्यार्थी घायल हो गईल बाड़े। घटना के जानकारी मिलते अपर SP राज किशोर सिंह मौका पर पहुंचले, अवुरी मामला के जांच शुरू कर देले। मौका पर फॉरेंसिक टीम बोलावल गईल बा। घटना के बाद इलाका में सन्नाटा पसर गईल। इलाका के लोग पहले मामला के दबावे के बहुत कोशिश कईले, अवुरी ये घटना के LPG सिलेंडर में भइल विस्फोट बतवले। हालांकि पुलिस के शुरुआती जांच में पता चलल कि यहाँ बम विस्फोट भइल बा, जवना के बाद फॉरेंसिक टीम के बोलावल गईल बा। गरखा के मोती राजपुर इलाका पटाखा बनावे के मुद्दा पर पहले ही से बदनाम हो चुकल बा। यहाँ कुछ परिवार ऐसनो बा जे पटाखा बनावे में बहुते माहिर बा, बाकी री काम गैर कानूनी तरीका से होला आ एह तरह के दुर्घटना रोज होखत रहेला। एक घटना के जानकारी मिलला के बाद सारण के SP गौरव मंगल मामला के जांच खाती एगो विशेष टीम बनवले बाड़े। लोकसभा चुनाव के नजदीक आ गईला के चलते एक घटना के बहुत महत्वपूर्ण मानल जाता। SP कहले कि पुलिस ए मामला में हर कोण के जांच करतिया, अब बुरी जल्दी ये मामला के खुलासा हो जाई। फिलहाल पुलिस घायल के इलाज खाती पटना भेज देले बिया, जहां उनुकर हालत गंभीर बतावल जाता। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आइला के बाद ही साफ हो जाई कि बम केतना ताकतवर रहे। बिहार में फिर से गर्मी वापस आ गईल बा।
मौसम विभाग गुरुवार के 18 जिला में गर्मी के लहर के अलर्ट जारी कईले बा। एह जिलन में 18 मई ले तपल घाम आ गरम हवा से कवनो राहत ना रही। अगिला 5 दिन में अधिकतम तापमान 2 डिग्री बढ़ सकता। मौसम विभाग अगिला 48 घंटा खातिर 18 जिला खातिर अलर्ट जारी कईले बा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, गया, बांका, शेखपुरा, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, जहानाबाद और पटना में हीट अलर्ट बा। लहर में सावधानी बरते के अपील किल गईल बा। एने बता दी कि राजधानी पटना समेत 17 जिला के तापमान 40 डिग्री पार हो गईल बा। पिछला 24 घंटा में 43.3 डिग्री के साथ सबसे गर्म जिला शेखपुरा रहे। यही तेज गर्मी के बीच मौसम विभाग भी राहत के खबर देले बा। एह साल भी बिहार में निर्धारित समय पर मानसून आ सकेला। एकरा खातिर मौसम विभाग भी संभावित तिथि देले बा। मौसम विभाग के मुताबिक अब की बेर 13 से 18 जून के बीच बिहार में मानसून आ सकता। अवुरी उपूर्णिया अवुरी किशनगंज के रास्ता से बिहार में प्रवेश करी, जबकि केरल में अब की बेर मानसून एक दिन पहले आ सकेला आ 31 मई के केरल में पहला बरखा हो सकेला। बता दी कि पिछला साल भी 13 जून के पूर्णिया में मानसून आयल रहे। पिछला 17 साल में पहला बेर मानसून के बादल समय से बिहार में आए रहे। यही बीच बिहार में गर्मी के लहर के लेके येलो अलर्ट जारी कर दिहल गईल बा। त लोग के भोजपुरी भाषा में आज तक के ई बुलेटिन कैसन लागल जरूर बताई, काहे कि हमनी खबर रुआ खातिर लेके आयल बानी जा। आ रुआ लोग के दिहल सुझाव हमनी खातिर बहुत जरूरी बा, आपन खूब ध्यान रखल जाए। कल फिर रुआ खाती खबर लेके आयल जाए भोजपुरी भाषा में।